नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। तो दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, वो बहुत ही सरल उपाय है और कोई भी व्यक्ति इस उपाय को बहुत आसानी के साथ कर सकता है। बहुत ही सरल है दोस्तों। कितनी बार हमें पता ही नहीं होता है कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, हमारे किचन में हैं, हमारे घर में हैं, हमें सिर्फ उसको थोड़ा सा अलग रूप दे देना होता है, थोड़ा सा ऐसा कर देना होता है जिससे कि हमारे घर में सब कुछ प्लस होने लग जाता है। और थोड़ा सा ही उसका रूप बदल देने से, उसका यूज़ करने का तरीका बदल देने से माइनस होना शुरू हो जाता है। आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ अदरक के बारे में। अदरक दोस्तों बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अदरक के रस से आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। अदरक का सही जगह उपयोग करके दोस्तों आप अपने घर में संपत्ति का आगमन कर सकते हैं। संपत्ति मतलब धन, वैभव, सब कुछ आ सकता है सिर्फ अदरक का सही ढंग से उपयोग करने में। तो दोस्तों, जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, ताकि मेरी जानकारियाँ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें दोस्तों। लाइक करने में कहीं से कोई कंजूसी ना करें। और हाँ, यदि आपको सच में दोस्तों लगता है कि ये जानकारी शेयर करने के लायक है तो शेयर अवश्य ही करें। पता नहीं दोस्तों आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी कब कहाँ किसके काम आ जाए, कब कहाँ किसका भला हो जाए। दोस्तों बहुत ही पुण्य का काम है, करने के लायक है, तो इसे अवश्य ही करें। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँ कि अदरक जो हम खाने में यूज़ करते हैं, चाय में डालते हैं, सब्जी में यूज़ करते हैं, अदरक आपको दोस्तों एक बात का बहुत ही ख्याल रखना है कि अदरक लक्ष्मी प्रदान चीज़ है। कभी भी अदरक को घर में यहाँ वहाँ फैली हुई और गंदी जगह पर ना रखें। कितने घरों में देखा जाता है दोस्तों कि अदरक के ऊपर छोटी छोटी जीवात हो जाती है, पड़ी रहती है कहीं पर भी। जब भी दोस्तों ऐसा होता है, घर के अंदर गरीबी आने लग जाती है। अदरक का हमेशा दोस्तों उससे एकदम स्वच्छ जगह पर रखें, बहुत ही सम्मान के साथ उसका यूज़ करें दोस्तों। आप खुद देखेंगे इसके परिणाम आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे आएंगे। सबसे पहला उपाय दोस्तों मैं आपको बताऊं। वैसे तो दोस्तों अदरक के ढेर सारे उपाय हैं, ढेर सारे, हर चीज़ में दोस्तों अदरक से आप हर चीज़ का उपाय कर सकते हैं, इतनी पावरफुल चीज़ है ये। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो लक्ष्मी प्राप्ति में कैसे अदरक आपके लिए उपयोगी है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको अदरक को दोस्तों कटिंग कर लेना है, स्टार, जैसे स्टार होता है उस तरीके से आपको उसकी कटिंग कर लेनी है, बराबर। और अगर बहुत अच्छा मतलब आपकी कटिंग ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे जैसे फूल जैसा, इस टाइप से आप उसकी कटिंग कर लें। और उसके बाद दोस्तों आपके घर में मतलब जो आपकी चौखट है, आपका जो दरवाज़ा है, जो देहरी है आपकी, उसके पास यदि आप फ्लैट में रहते हैं दोस्तों, तो आप गमला रख लें मिट्टी का, और उस गमले में थोड़ी सी मिट्टी कुरेद करके और उसमें आप इस अदरक की गांठ को रख दें और उस पर मिट्टी डाल दें। यदि आपका मकान दोस्तों फ्लैट में नहीं है, ज़मीन पर है, तो आप अपने दरवाजे की चौखट के पास के राइट हैंड तरफ की थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें और वहाँ पर दोस्तों आप इस अदरक को गाड़ दें और इसके ऊपर मिट्टी डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ी सी दोस्तों हल्दी डाल दें, हल्दी पाउडर हल्का सा डाल दें और एक अगरबत्ती लगाएं। दोस्तों आप खुद देखेंगे इसका बहुत ज़बरदस्त चमत्कार आपकी लाइफ में होगा। अगर ये अदरक दोस्तों ऊग करके निकल जाती है तो आपके भविष्य को दोस्तों चमकने से कोई रोक नहीं सकता, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा दोस्तों, अदरक यदि आप गमले में लगा सकते हैं अपने घर में, तो समझ जाइए दोस्तों आपकी लाइफ में सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। लक्ष्मी आपके घर में बहाने मार मार कर आने लग जाएगी। यदि अदरक आपने गमले में अदरक का मतलब पौधा आपने गमले में लगा कर रखा है, तो रोज़ दोस्तों आपको उसको थोड़ा सा पानी सींचना है और आप देखेंगे कि किस तरीके से लक्ष्मी आपके घर में आती है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी चीज़ को जब आप करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ।
आपने अमुक लोगों को देखा होगा कि मतलब मैंने तो कितने लोगों की कितने लोगों से सुना है कि मैंने अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी मेरी पीपल के वृक्ष को जल दिया, नीम के वृक्ष को जल दिया, और हम जहाँ भी जाते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, हमें हमारे घर के सामने पीपल का वृक्ष मिल ही जाता है, नीम का वृक्ष मिल जाता है। कुछ लोग बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं तो उनकी लाइफ में ये होता है, जबकि जब उन्होंने शुरुआत की होती है तब उनके दिमाग में कहीं ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये क्रिया करने से उन्हें क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। सिर्फ उनकी श्रद्धा दोस्तों, सिर्फ श्रद्धा, सिर्फ विश्वास, सिर्फ प्रेम से किया गया कर्म दोस्तों उनकी लाइफ में ढेर सारा प्लस कर देता है, ढेर सारी सफलताओं को दे देता है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप छोटा सा भी नियम ले लें, जैसे आपने हमेशा के लिए नियम ले लिया कि नहीं हमारे घर में तुलसी क्यारा तो होना ही चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली दोस्तों जो तुलसी क्यारा घर में रखने से जितने लाभ होते हैं वो मिलने लग जाएंगे। आपने अगर नियम ले लिया कि हमारे घर में गेंदे का पौधा तो होना ही चाहिए बारो मास, चाहे उसमें गेंदे आ रहे हों या नहीं आ रहे हों, लेकिन गेंदे का पौधा तो होना चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों नौकरी में, धंधे में, पढ़ाई लिखाई में आपका घर किस तरीके से आगे आता है, किस तरीके से आप लोगों का प्रोग्रेस होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में मैं बताती हूँ कि आपका विश्वास, आपका उस कर्म के प्रति प्रेम, यही चीज़ें हैं जो आपको सफल बना देती हैं। अदरक का पौधा भी दोस्तों आप बड़े प्रेम से लगाएं, बड़े प्रेम से लगाएं, जैसे आप माता लक्ष्मी के घर में स्थापना कर रहे हों ऐसा सोच करके लगाएं और फिर आपको मिलेगा इसका रिजल्ट। तिजोरी के अंदर भी दोस्तों यदि आप अदरक का थोड़ा सा पाउडर, अदरक पाउडर आप रख सकते हैं दोस्तों, तो इससे भी घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आप अपने पर्स के अंदर भी अदरक पाउडर का थोड़ा सा किसी भी पड़ी की में किसी भी कागज़ के अंदर रख करके आप उसे लपेट करके अपने पर्स में रखें, आप देखेंगे दोस्तों अदरक से काफ़ी फ़ायदे आपकी लाइफ में होने लग जाएंगे। और जैसे कि मैं हमेशा मैंने अभी बताया आपको कि अदरक के एक फ़ायदे नहीं हैं, अदरक के दोस्तों ढेरों फायदे हैं, लेकिन एक वीडियो में इतनी सारी बातें शेयर करना संभव नहीं हो पाता है। तो अभी दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि अदरक से कैसे आप लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया है दोस्तों इसे बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से देखना और फिर इसे फॉलो करना, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो करते रहें दोस्तों, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।